अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ अभी फ़िलहाल तो बाज़ार, क्योंकि अयान का और बदीरा का मुझे लेना है ड्रेस। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लेना है, कि ये तो बाज़ार में जाके मुझे पता लगेगा। बदीरा क्या लोगी, आप फ्रॉक लोगी, शरारा लोगी? हाँ, क्योंकि अयान का जो सूट था वो छोटा हो गया, अभी मैंने पिछले साल लिया था तो वो छोटा हो गया है, तो जाहिर बात है अब दूसरा लेना पड़ेगा मुझे सूट उनका। तो बदीरा के लिए लेना, वो थोड़ी सी और शॉपिंग करनी है तो वो लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अपनी तैयारी भी कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये है मेरी बनी में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग बनी में जा रहे हैं, तो ये है आज की मेरी ड्रेस। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए क्योंकि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। तो जब मैं, और ये है मेरे भी शूज़, ये सैंडल है बदीरा की और बहुत प्यारी लग रही है बदीरा की, बहुत प्यारी लग रही है। और जब बदीरा पहनेंगी बिल्कुल परी लगेंगी, है ना बदीरा, परी लगोगी ना। और शूज भी इसकी मैचिंग के ही है, लाइक इसको जैसे सिल्वर सिल्वर दोनों बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत टाइम लगा मैं लेने में, बहुत घूमे तो ये इतने मुश्किलों से हमें ये पसंद आई है। और फिर जब मैं तैयार हो जाऊं तब नीचे कैन कैन भी लगा हुआ है, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए कितनी शाइनिंग कर रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है। जब बदीरा तैयार होंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरे साथ बदीरा खड़ी हुई है और हम लोग हाल में पहुँचे और तकरीबन हाल में आ चुके हैं। अरिबा की अभी बारात आने वाली है। तो ये देखिए दुल्हन खड़ी हुई है और दुल्हन बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी, इतनी खूबसूरत और कितनी क्यूट लग रही है। तो मैंने सोचा चलो मैं इनके साथ थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, बहुत प्यारी लग रही है। फिर दूल्हे के साथ भी बनाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखें दूल्हा आ चुका है और अरिबा की बारात आई है। तो ये दूल्हा, दूल्हा के जो कज़न हैं या शायद दोस्त हैं, और पीछे बहन है, वालदा और बाकी इनके रिश्तेदार वगैरह, इनकी एंट्री हो रही है, बारात लेकर आएंगे। ये दूल्हा का सेहरा उतार दिया और दूल्हा भी बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो थोड़ी सी मैंने इनकी भी वीडियो बनाई है, तो इनकी भी फ़ोटो शूट हो रहे हैं और इनकी मूवी वीडियो वगैरह बन रही है इनकी भी। ये दानिश, और दानिश के साथ उनकी दुल्हन है, तो इनकी भी एंट्री हो रही है, थोड़ी सी इनकी वीडियो वगैरह बन रही है आज, क्योंकि इनका वलीमा था। तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से वलीमे वाले दिन। ये दूल्हा दुल्हन को स्टेज पे लेकर आ रहे हैं, उनकी वालिद और इनकी वालदा हैं, तो इनको स्टेज पे लेकर आ रहे हैं दूल्हा के साथ बिठाने के लिए। तो अरिबा की जितनी तारीफ़ की जाए, माशाल्लाह से अरिबा बहुत प्यारी लग रही थी और दूल्हा भी बहुत प्यारा लग रहा था। अभी आपको दिखाऊंगी मैं इन दोनों का कपल जो बैठे होंगे, माशाल्लाह से बहुत हसीन लग रहे थे। ये देखें अरिबा और अरिबा का जो दूल्हा है, बहुत प्यारा लग रहा, और इनके साथ इनके ताया बैठे हैं। तो ये इनके ताया हैं, सबसे बड़े ताया हैं, वो बैठे हैं। और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं दोनों। और अरिबा की तो जितनी तारीफ़ की जाए, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये दूल्हा दुल्हन की दूध पिलाई की रस्म हो रही है, और ये अरिशा हैं, बहन है दुल्हन की, और वो साइड पर जो बैठी हैं वो भी बहन है, ये तीनों बहनें बैठी हुई हैं। तो ये इनकी दूध पिलाई की रस्म हो रही है।
ये अरीबा के अब जाने का टाइम हो गया है, अब अरीबा की रुखसती हो रही है, तो अरीबा के जाने का बहुत दुख था हमें। तो बहुत ही नेचर वाइज बहुत अच्छी थी अरीबा, और इनकी ये देखें ये सब भाई वगैरह खड़े हैं, तो इनकी रुखसती हो रही है, कज़न भी हैं भाई भी हैं। तो ये भाई कुरान शरीफ ऊपर रखा हुआ है इनके सर के ऊपर, तो ये इनकी रुखसती हो रही है। हो चुकी है अरीबा जा चुकी है और बहुत इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। और अरीबा का जाने का बड़ा दुख है, बहुत इंजॉय करते थे, अरीबा की नेचर बहुत अच्छी थी। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।